अगर आप भी अपने चेहरे को ग्लास स्किन की तरह चमकाना चाहते हैं चेहरे पर ग्लो लाना चाहते हैं तो रोज रात को आपको ये काम जरूर करना है आपको क्या करना है आपको लेना है एलोवेरा जेल यदि आप इसको सात दिन तक लगा लेते हैं तो आपका चेहरा भी ग्लो स्किन की तरह चमकने लगेगा ग्लास स्किन की तरह क्योंकि जो भी इंग्रीडियंट हम ऐड करेंगे वो सारे नेचुरल होंगे तो सबसे पहले आपको लेना है एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये हमारी स्किन से पिगमेंटेशन जाने की झाइयों को दूर करता है और दाग धब्बों को भी दूर करता है स्किन पर ग्लो लाता है और इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है नेक्स्ट आपको इसमें ऐड करना है वाइल्ड टर्मरिक कस्तूरी हल्दी कस्तूरी हल्दी हमारी स्किन को निखारने का काम करती है और स्किन से पिगमेंटेशन झाइयाँ काले दाग धब्बों को दूर करने में हेल्प करती है और एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होती है और ये हमारी स्किन को फेयर बनाने में हेल्प करती है स्किन से जो भी टैनिंग होती है उसको भी दूर कर देती है नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया है रोज़ वाटर रोज़ वाटर आपको पाँच से छः सात ड्रॉप ऐड करना है नेक्स्ट आपको इसमें ऐड कर लेना है कोकोनट ऑयल की पाँच से छः ड्रॉप तो अच्छे से आपको इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से मिक्स करेंगे ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा नाइट क्रीम की तरह ये रेमेडी बन के तैयार हो जाएगी ये आपकी स्किन को ग्लास स्किन की तरह चमकाएगी और चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा ग्लो लाएगी तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने इसमें ऐड करे हैं इंग्रेडिएंट वो सारे नेचुरल हैं अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे और इसको किस तरह से अप्लाई करना है ये मैं वीडियो में आगे शेयर कर रही हूँ तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे वीडियो के आने वाले न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो आपको इसको अच्छे से मिक्स करना ये एक क्रीमी टेक्स्चर में बन जाएगी आप देख सकते हैं इस तरह से और इसको आप रोज रात को सोने से पहले इसका यूज़ करेंगे इसका अप्लाई करेंगे किस तरह से अप्लाई करना है सबसे पहले आपको क्या करना है अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है अच्छे से अपने फेस को क्लीन करना है अच्छे से चेहरे को क्लीन करने के बाद में आपको इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है यदि आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है झाइयाँ हैं या फिर आप अपने चेहरे को ग्लास स्किन की तरह चमकाना चाहते हैं तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं और ये हंड्रेड परसेंट नेचुरल है तो आपको इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है और अच्छे से मसाज करना है जब तक ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है आप इसको नेक पर हैंड पर भी अप्लाई कर सकते हैं तो अच्छे से आप इसको अप्लाई करेंगे आँखों के नीचे यदि अंडर आई डार्क सर्कल है बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा है तो आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल जरूर ऐड कर लें तो मेरे स्किन पर अंडर आई डार्क सर्कल नहीं है तो मैंने ऐड नहीं किया है यदि आप कोकोनट भी यूज़ करते हैं कोकोनट ऑयल तो कोकोनट ऑयल हमारी स्किन को चमकाने का काम करता है स्किन से ए जो भी हमारी स्किन पर फाइन फाइनलाइंस रिंकल आ जाते हैं झुर्री आ जाती है उनको दूर करता है क्योंकि कोकोनट ऑयल एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं और इसको डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए कोकोनट ऑयल हमारी स्किन से झुर्रियों को तो दूर करता है साथ में हमारी स्किन को यंग बनाने का काम करता है समय से पहले फाइन फाइनलाइंस रिंकल को नहीं आने देता है साथ में हमारी स्किन को फेयर करने का भी काम करता है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है यदि आप इसका यूज़ सही तरीके से करते हैं तो आपके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे गुड रिजल्ट मिलते हैं तो आपको इस तरह से अप्लाई करना है और अच्छे से मसाज करना है हमारी स्किन चाहे गोरी हो चाहे साबली हो लेकिन किसी भी तरह का पिगमेंटेशन या फिर पिम्पल एकने की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तो हमें स्किन केयर जरूर करना चाहिए जरूरी ऐसा नहीं है कि आप एकदम गोरे हो जाएंगे लेकिन जो हमारी स्किन होती है उसका जो टोन होता है वो एक से टू सेड फेयर हो सकता है यदि हम स्किन केयर अच्छे से करते हैं तो तो आपको अपनी स्किन केयर पर जरूर ध्यान देना चाहिए अच्छे से आपको मसाज करना है यदि आपकी आंखों के आसपास झुर्रियाँ आ गई हैं तो आपको अच्छे से मसाज करना है नीचे से ऊपर की ओर अच्छे से अपर डायरेक्शन में ऊपर की साइड मसाज करना है और मसाज करने से हमारी स्किन पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे हमारे फेस पर ग्लो आता है झुर्रियाँ दूर होती हैं अच्छे से मसाज करके आपको इसको ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और नॉर्मल वाटर से आपको वॉश करना है सुबह यदि आप नहीं लगा कर सोना चाहते तो कम से कम आधा घंटे रखें उसके बाद में वॉश कर लें तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप देख सकते हैं मेरा फेस एकदम क्लीन और एकदम सॉफ्ट हो गया है इसी तरह से आप भी इसका यूज़ करें ये रिंग लाइट की रोशनी में आप देख सकते हैं रिंग लाइट की लाइटिंग में आप मेरा फेस देख सकते हैं और नॉर्मल लाइट में भी आप मेरा फेस देख सकते हैं मेरा फेस एकदम क्लीन और सॉफ्ट है और फेस पर किसी भी तरह का पिगमेंटेशन नहीं है इसी तरह से आप भी अपनी फेस पर स्किन केयर अपनी स्किन केयर का जरूर ध्यान दें तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल लाइट में मेरा फेस एकदम क्लीन है आप देख सकते हैं तो आप भी इस रेमेडी का जरूर यूज़ करें ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और ख़ास बात यह है कि नेचुरल है इसको मैन वुमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक क्या